लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद आमिर खान ने लिया एक्टिंग से ब्रेक। फैंस को लगेगा अब तगड़ा झटका। आमिर ने बताई शॉकिंग वजह, ये सुनकर झटका लगाना। लेकिन इसके बारे में खुद आमिर खान ने ही खुलासा किया है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यूं तो सुपरहिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी हाल ही रिलीज फिल्म लाल सिंह चड्ढा कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। वहीं अब इसी बीच आमिर खान ने खुलासा किया है कि वो फिल्मों से एक लंबा ब्रेक ले रहे हैं। रिपोर्टेडली आमिर हाल ही में दिल्ली के एक इवेंट में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने करियर पर बात करते हुए इस बारे में बताया कि वो एक्टिंग से ब्रेक ले रहे हैं और आने वाले 1.5 सालों तक वो एक्टर के तौर पर काम नहीं करेंगे। आमिर खान ने कहा, जब मैं एक एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो मैं फिल्म में इस कदर खो जाता हूँ कि मेरी जिंदगी में और कुछ होता ही नहीं है। लाल सिंह चड्ढा के बाद में चैंपियंस का रीमेक करना चाहता था। ये कमाल की स्क्रिप्ट है, ये एक सुंदर कहानी है, ये दिल को छू लेने वाली और प्यारी फिल्म है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ और अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने अपने काम पर ही फोकस किया है। मुझे लगता है कि मेरे करीबी लोगों के लिए उचित नहीं है, यह मेरे लिए भी कई मायनों में उचित नहीं है। मैं समय को अलग तरीके से जिंदगी का अनुभव करने के लिए निकालने की योजना बना रहा हूँ। मैं चैंपियंस का निर्माण करूँगा क्योंकि मैं वास्तव में फिल्म में विश्वास रखता हूँ। मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन कहानी है। तो देखा आपने, अब आमिर ने ठान ली है कि वो एक्टिंग से ब्रेक लेंगे। आपको क्या लगता है, आमिर खान का ये डिसीजन सही है? कमेंट कीजिए और बॉलीवुड नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।